तो पढ़ने के लिए तेज बुद्धि चाहिए और आलस से रहित शरीर चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों चीजें चाहिए, पर ये दोनों चीजें आती कहां से हैं? आलस्य और बुद्धि पेड़ पे लगता है क्या बच्चों? नहीं, खेत में उगता है, सिरोही के मार्केट में मिलता है, नहीं, तो फिर कहां से आता है? तो उसके लिए हमारी जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने जब गीता जी का उपदेश दिया अर्जुन जी को, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हे अर्जुन, इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका तन और मन हो जाता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन और मन। मन का संबंध आलस्य से है, तन का संबंध मन का संबंध बुद्धि से और तन का संबंध आलस्य से है। अब भोजन की बात करें ना बच्चों, तो हमारा हिंदुस्तान का जो पशु गणना विभाग है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उसके हिसाब से हमारे देश में लगभग 17 करोड़ भैंसे हैं, 17 मिलियन भैंसे, लगभग 7.5 करोड़ अमेरिकन नस्ल की जो जर्सियां वगैरह होती हैं वो, और 3.5 करोड़ मात्र देसी गोवंश है। इसका मतलब हिंदुस्तान के अधिकतर बच्चे दूध किसका पी रहे हैं? भैंस का, क्योंकि ज्यादा मात्रा में कौन है? भैंस है। अब बच्चों एक बात बताओ, भैंस का दूध पीकर शरीर और बुद्धि दोनों भैंस जैसी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना। सबसे पहले बात करें आलस्य की, भैंस एक नंबर का निहायती आलसी जानवर। आप देखना किसी भैंस को खा भी करके चारों पैर छोड़े करके बैठ जाएगी, बैठे बैठे उसका मूत्र विसर्जन, लघु शंका, यूरिन सब बैठे बैठे ही हो जाएगा, और बैठे बैठे उसी में पूंछ घुमा करके नाना धोना वाशिंग पार्टिंग भी हो जाएगा, उठने का काम ही है। लेकिन आज तक बच्चों देसी गौ माता जी को कभी बैठे बैठे मूत्र त्याग करते, यूरिन करते आपने कभी देखा क्या? हाँ, बीमार है, अस्वस्थ है तो बात अलग है, बाकी स्वस्थ गौ माता कभी बैठे बैठे मूत्र त्याग नहीं करती। तो विचार करना कि जिस भैंस को मूत्र त्याग करने जैसे मामूली काम को करने में आलस आ रहा है, ऐसी आलसी भैंस का दूध आप पिएंगे, आपको पढ़ाई में आलस आएगा कि नहीं आएगा? जोर से बोलो, आएगा। आएगा। अच्छा, फिर बात करें बुद्धि की। बच्चों आपने हिंदी में एक मुहावरा पढ़ा होगा, अक्कल बढ़िया, इसका मतलब भैंस में बिल्कुल अक्कल नहीं होगी। और वैसे तो पता नहीं हमारे पूर्वजों की भैंस के साथ कोई दुश्मनी थी, सारे मुहावरे भैंस के खिलाफ बना दिए। कैसे? कोई अगर अनपढ़ व्यक्ति है, उसको बहुत समझाओ ना समझे तो उसके लिए क्या कहते हैं? काला अक्षर। कोई काम होते होते बिगड़ जाए तो गई भैंस। किसी व्यक्ति को बहुत समझाओ ना समझे तो भैंस के आगे बीन बजाने से फायदा नहीं है। अगर कोई दबंग व्यक्ति खुद ही खुद की चलाए, कभी किसी की ना सुने, तो उसके लिए जिसकी लाठी उसकी, मतलब कुछ तो गड़बड़ है भैंस के साथ। इसीलिए सारे मुहावरे भैंस के खिलाफ बना। और उसी कड़ी का एक मुहावरा है, अक्कल बढ़िया भैंस, भैंस में बिल्कुल भी अक्कल नहीं होती है। आप स्वयं देखना, अगर आपके घर में भैंस हो तो आपकी माताएं जब भैंस को सुबह छोड़ दें और उसको कहे कि शाम को वापस आ जाना, बोलो अकेली भैंस वापस आती है क्या? जिधर मुंह उठाती उधर चली जाती है। लेकिन गाय माता जी को सुबह छोड़ो, दिन भर गैया मैया लोगों के डंडे खाएगी, पत्थर खाएगी, भाटे खाएगी, गालियां खाएगी, प्लास्टिक खाएगी, खुद का पेट भरे ना भरे, लेकिन हमारा पेट भरने का समय आता है, गाय माता घर पर वापस आ जाती है। अगर आप बच्चे में से कुछ कहें कि हमारे घर में गैया भी नहीं भैंस भी नहीं, हम क्या करें, तो आप तीसरा प्रयोग करवा के देखना। बच्चों आपके घर पर जब आपकी माताएं जब भोजन बनाती है ना, तो उस भोजन में से उत्तम अच्छी रोटी थाली में रख करके घी गुड़ लगा करके, और आपके आंगन में कोई भी गाय माता आए उनको रोटी जिमा देना। घड़ी में समय देख लेना, गाय माता घड़ी नहीं पहनती, लेकिन दूसरे दिन लगभग उसी समय पर वो आपके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे कि कल इस वक्त ने रोटी जिमाई, आज भी जिमाएंगे। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? और भैंस को भले ही आप टोकरी भर के रखो, रसगुल्ले जिमा दो, दोबारा दर्शन देने वाली नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी अक्कल ही नहीं। इसीलिए वैज्ञानिक भी कहते हैं कि बफेलो से शॉर्ट मेमोरी क्वेश्चन है, भैंस का जो इनबिल्ट मेमोरी सिस्टम है बहुत लो जीबी का है, ऊपर से ऑटोमेटिक डिलीटेशन सिस्टम लगा रखा है, 2.5 घंटे पुरानी फाइल भैंस के दिमाग से अपने आप डिलीट हो जाती है, उसको कुछ याद नहीं रहता है। अच्छा देखो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, भैंस के दूध का कलर कैसा होता है? व्हाइट। और गौ माता जी के दूध का रंग कैसा होता है? येलो होता है ना। अब ये येलो कहाँ से आया? ये येलोनेस तो जो थी हल्की सी, वो कहाँ से आई? आपने कोई गाय माता को हल्दी खिलाई नहीं? केसर खिलाया क्या?
उनकी घास पर पीले रंग का स्प्रे किया? नहीं, तो फिर क्या किया? तो वैज्ञानिक कहते हैं गाय माता के पीठ पर उभरा हुआ शिवलिंग जैसा हिस्सा होता है, देखा है आपने कभी? उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसको कुकुट बोलते हैं। तो जो गाय माता के पीठ पर जो थुआ होता है, जो उभरा हुआ शिवलिंग जैसा हिस्सा होता है, उसमें सूर्य केतु नाम की एक नाड़ी होती है, जो सूर्य नारायण भगवान से तरल स्वर्ण क्षार यानी लिक्विड गोल्ड साल्ट नाम का एक तत्व खींचती है जिसमें कैरोटीन होता है, उसी के माध्यम से गाय माता के दूध का रंग पीला होता है और वही पीलापन बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए बच्चों आप आज के बाद दूध पिएंगे तो किसका पिएंगे? गाय माता का। किसका? अब गाय माता के दूध का रंग भी येलो है, सरस्वती माता जी का भी रंग येलो है, तो सरस्वती माता निश्चित आपके जीवन में प्रसन्न होंगी। जब आप येलो येलो गौ माता का दूध पिएंगे तो आपकी बुद्धि में निश्चित वृद्धि होगी। तो आज के बाद बच्चे दूध गाय माता का ही पिए, क्योंकि बच्चों हम गौ माता से जुड़े लोग हैं, इसलिए आपको पढ़ाई में गौ माता की कहां जरूरत पड़ती है यही बताने आए हैं कि जब आप गौ माता का दूध पिएंगे तो वैज्ञानिक मानते हैं कि उसमें जो कैरोटीन होता है वो बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए आप जितने भी बच्चे बैठे हैं वो आप सभी लोग दूध आज के बाद संकल्प ले लें कि हम गाय माता का ही पिएंगे। देखो बच्चों, ये हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश में आज 80,000 गौ माताएं रोज काटी जाती है, एक दिन में 80,000 गौ माताओं को काटा जाता है। जहां पर हमारे कृष्ण भगवान ने गौ माता को चराया, हर धर्म में, सिर्फ हम हिंदू धर्म में नहीं, चाहे वो इस्लाम धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो, गौ माता को काटने की बात कहीं नहीं लिखी गई है। सब लोग यही कहते हैं कि गाय माता पवित्र है और उनकी सेवा होनी चाहिए, लेकिन ऐसे देश में गौ माता कट रही है तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब आप कहोगे हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो आप बच्चों अगर ये संकल्प ले लो कि हम दूध गाय माता का पिएंगे तो भी गाय माता बच सकती है, क्योंकि अगर आप ये ठान लोगे कि हम गाय माता का दूध पिएंगे, नहीं मिला तो नहीं पिएंगे, तो फिर आपके माता पिता को मजबूरी में कहीं ना कहीं से गौ माता के दूध की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जब दूध की मांग बढ़ेगी तो जो गोपालक है, जो किसान है, वो गाय माता रखना प्रारंभ करेगा। इसीलिए आप जितने भी बच्चे बैठे हैं वो एक बात हमेशा ध्यान रखें, दूध सिर्फ गौ माता का पीना है। आपको पढ़ लिख करके आगे तो बढ़ना ही, आप सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, तो देखो मेरे छोटे से प्रश्न का जवाब दोगे आप? दोगे ना? आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके घर में गौ माता होगी, भैंस भी होंगे, कुछ किसान भी होंगे आपके माता पिता। मुझे एक बात बताओ, गाय माता जी का जब बच्चा छोटा होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? बछड़ा बोलते हैं ना। फिर वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, जोर से बोलो, बड़े होशियार बच्चे, लोगड़ा बोलते हैं। और जब पूरा बड़ा हो जाए तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नंदी। नंदी। बछड़े की बात कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा? बैल बन जाएगा या सांड बन जाएगा या नंदी बन जाएगा। अब बच्चों देखो, ये आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 3 स्टेप्स ने प्रगति की, उन्नति की ना। छोटा था तब तो बछड़ा, बड़ा हुआ थोड़ा तो पूरा बड़ा हो गया तो बैल या नंदी। लेकिन अब भैंस का बच्चा जब छोटा होगा तो उसको क्या कहते हैं अपन? पाडा। कैसे बोलो? पाडा। थोड़ा और बड़ा हो जावे तो भी पाडा, और बुड्ढा होकर मर भी जावे तो भी पाडा। मतलब अब बोलो, ये नाम मैंने रखे क्या? आपने रखे? आपने भी नहीं रखे, मैंने भी नहीं रखे। ये नाम हमारे पूर्वज रखे गए, और हमारे पूर्वज कैसे नाम रखते थे? लक्षण आधारित, जैसे लक्षण देखते थे वैसे नाम रख देते थे। तो संकेत क्या? गाय माता का दूध पिया तो बछड़े, टोबड़े और बैल की तरह आगे आगे बढ़ते जाओगे, और भैंस का दूध पिया तो पाड़ा 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 ही रह जाओगे। इसीलिए बच्चों दूध किसका पीना? गाय माता का। अब बच्चों की ये तो समझाने की बात नहीं, ये जो आपको जीवन भर याद रहे तो उसके लिए क्या करना है वो आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी नहीं बताया जाएगा। अभी आपके और कार्यक्रम भी हैं, इसीलिए अभी तो नहीं बताया जाएगा, लेकिन आपको ये सारी बातें कथा में बताई जाएंगी। बच्चों आपको जानकारी होगी कि हमारी सिरोही में पहली बार गाय माता की कथा होने जा रही है,
जिन गाय माता को आप सिर्फ जानवर समझ रहे हैं अभी तक, लेकिन उन गौ माता जी की कितनी महिमा है ये बताया जा रहा है। 3 तारीख से हमारे यहाँ पर कथा शुरू होगी। कितनी तारीख से? 3 तारीख से। और 3 तारीख से ये कथा चलेगी 9 तारीख तक। कथा का जो समय है 1 बजे से रहेगा 4 बजे तक। तो आप स्कूल आए और स्कूल के बाद जब भी फ्री हो जाएं 1-2 बजे, कितने बजे छुट्टी होती है बच्चों की? 3 बजे। 3 बजे छुट्टी होती है ना, फिर भी 1 घंटा बचता है। और नहीं तो फिर संडे तो आएगा ही बीच में एक दिन, तो आप कथा सुनने जरूर आना। और क्योंकि देखो मैं आई आपके विद्यालय में और आपको 5-10 मिनट की कुछ बात बताई, तो उसके बदले में आपको भी मेरा एक काम तो करना पड़ेगा। करोगे? जोर से बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? करोगे? तो करना ये है कि आप अभी जब आपका विद्यालय की जब भी छुट्टी होगी आप घर पे जाएंगे, और घर पे जाने के बाद अपने परिवार वालों को, अपने माता जी को, पिताजी को, ताऊ जी, ताई जी, दादा जी, दादी जी, चाचा चाची, जितने भी आपके घर वाले रहते हैं, आपके पड़ोस पड़ोस के रहते हैं, उनको आप कथा के बारे में बताएंगे हमारी तरफ से कि आप भी इस कथा का जरूर आनंद लेंगे। क्योंकि पहली बार सिरोही में जैसे देव नगरी है, धर्म नगरी है, अनेकों अनेक कथाएं होती रहती है, पर गौ माता की कथा पहली बार हो रही है। और जो गुरुदेव भगवान कथा करने के लिए पढ़ा रहे हैं, 62 गाय माता का दूध और फलाहार पर आप रहते हैं, नंगे पांव चलते हैं, कभी भी गाड़ी में विराजमान नहीं होते हैं, और सबसे बड़ी बात किसी से पैसा दान दक्षिणा नहीं देते हैं। ऐसे तपस्वी संत हमारे सिरोही में आ रहे हैं।